मरियम क्या है, मरियम नवाज क्या चीज है, वो चोर की बेटी, वो उसकी पावर है कोई, वो क्या कर सकती है। मैं कारकुन नहीं ना, अगर पीटीआई की तो मैं पाकिस्तानी तो हूँ ना, मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से यहाँ पर बैठी हूँ। मैंने नवाज शरीफ का साथ दिया, मैं मुस्लिम लीग नून के साथ थी एक वक्त में। हमारी तरफ कोई आएगा, आगे बढ़ेगा, कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसको डंडा ही मारेंगे। न्यूज़ टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। नाज़रीन, सुबह के 4 बज चुके हैं और हम जमान पार्क में मौजूद हैं, इमरान खान के घर के बाहर। यहाँ पे कारकुनों की तादाद मौजूद है जिन्होंने डंडे पकड़े हुए हैं और इमरान खान की हिफाजत के लिए निकले हुए हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि मैं इमरान खान की कारकुन नहीं हूँ, मैं पीटीआई की कारकुन नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद यहाँ मौजूद है और हमने देखा ये रात भर यहाँ मौजूद रही हैं, ये किस मकसद के लिए है, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आप पीटीआई की कारकुन नहीं है, इमरान खान की कारकुन नहीं है, तो आप कैसे यहाँ बैठी हुई हैं और रात भर हम आपको देखते रहे कि आप इधर ही बैठी रही हैं, आप क्यों बैठी हुई हैं? भाई, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कारकुन नहीं हूँ ना, अगर पीटीआई की तो मैं पाकिस्तानी तो हूँ ना, मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से यहाँ पर बैठी हूँ कि मुझे पाकिस्तान को बचाना है, इसीलिए बैठी। तो आप आए तो इमरान खान की मोहब्बत में है ना? मैं इमरान खान की मोहब्बत में इसलिए आई हूँ क्योंकि वो मेरी उम्मीद है, वो मेरी आवाज़ है, और लीडर की हिफाजत तो करनी पड़ती है हमेशा। ये हमारा लीडर है, ये हमारा जनरल है। आपने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है, वो भी कमजोर सा डंडा पकड़ा हुआ है, डंडे पकड़ने का मकसद क्या? डंडा पकड़ने का कोई मकसद नहीं है, ये इधर ही रख देना हमने, लेकिन हाँ, हमारी तरफ कोई आएगा, आगे बढ़ेगा, कोई नुकसान पहुँचाएगा तो हम उसको डंडा ही मारेंगे। आप रात भर से हथियार है ये देखे हमारी क्लैशन को। ओके, आप ये हमारा पेट्रोल बम जो प्लास्टिक की बोतल में बनता है। आप रात भर से इधर ही मौजूद हैं, तो आपके घर वालों ने आपको कॉल नहीं की, आपको पूछा नहीं, नहीं, नहीं कि आप यहाँ क्यों आए? मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं और जब वो नहीं होते तो मैं अकेली भी आ जाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसीलिए हमने सिर्फ अपने घर में से ना हमने अपना हिस्सा डाला। मेरे हस्बैंड मुझे उस दिन यहाँ पर ही थे जब शेलिंग हो रही थी और इतना कुछ, या 3-4 बजे गए हैं और वो मुझे यही कह रहे थे, मैंने बेटी को क्योंकि स्कूल से भी लेना था, उसे छोड़ा था फिर लेना था, तो वो मुझे यही कह रहे थे कि हमारा, हम हक के साथ हैं, हमारा हिस्सा है तो तू घर रह। उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं आऊँ, उन्होंने कहा मैं यहाँ, वो वहाँ यहाँ पर रहे। और वो फिर कल, वो बीमार थे क्योंकि उस दिन से वो बीमार थे, इसीलिए फिर मुझे कल मुझे अकेली को आना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, ये अवाम की पावर जब आ जाती है ना नज़र, तो ये खुद ही भाग जाएंगे। अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पीटीआई के जलसों में, पीटीआई के काफिलों में ख़वातीन का एहतराम नहीं किया जाता, ख़वातीन के साथ छेड़खानी होती है, इस तरह के जो इल्ज़ाम आते हैं उनका, उन पर क्या कहेंगे? मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, मैं अवाम होने की हैसियत से आज मैं दूसरा दिन है, मैं कल भी आई थी जमान पर, और जब जब मुझे पता चलेगा ना कि यहाँ ख़तरा, मैं यहाँ आऊँगी, मैं यहाँ पहुँचूँगी, जैसे भी पहुँचूँगी। जहाँ पर मैं आई हूँ, मैंने यहाँ एक अलग ही भाईचारा देखा है, औरत की इज्जत है। मैं मुझे यहाँ कुर्सी ला कर दी गई है कि आप यहाँ बैठ जाएं, ठीक है, औरत की यहाँ इज्जत है। और मैंने बहुत सुकून देखा। हाँ, अगर अब वही बात है, एक दफ़ा इमरान खान साहब ने कह दिया था कि औरत थोड़ा अपने आप में रहे तो हमें बुरा लग गया था, लेकिन ये हकीकत है कि जब आप अपना आप दिखाते हो तो आपको कोई देखता है, अदरवाइज़ यहाँ पर प्रमोट नहीं किया जाता इस बात को। मैंने तो यहाँ अपनी इज्जत होते देखी है। ये पीछे इमरान खान साहब की रहायश गाह है, वो यहाँ मौजूद हैं, अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आती है तो आप क्या किरदार अदा करेंगी? भाई, मैं सिर्फ जो अपना हिस्सा अदा कर रही हूँ, यहाँ पे बैठ के कर रही हूँ, और जो बाकी मेरे से अगर एक पत्थर भी लग गया ना तो मैंने अपना काम कर दिया। मैंने यहाँ से पत्थर उठा के मारना है, बस अपनी तो कोशिश मैंने पूरी करनी है, बाकी बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है और अल्लाह ने ही हमारे खान की हिफाजत करनी है। आपको क्या लगता है कि खान साहब को गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो डरते हैं, मरियम डरती है, और जो हमारे ऊपर वाले और जो करप्ट बंदा है ना, जो करप्ट बंदा है वो डरता है खान से, खान से डरते हैं सब, इसीलिए खान को की आवाज़, हमारी आवाम की आवाज़ को अब दबाना चाह रहे हैं। आपने मरियम नवाज साहबा का जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है कि मरियम नवाज साहबा गिरफ्तार करवा रही है, मरियम नवाज साहबा ये छापे मरवा रही है? मरियम क्या है, मरियम नवाज क्या चीज़ है, वो चोर की बेटी, वो उसकी पावर है कोई, वो क्या कर सकती है। हम आवाम का नारा यही है, हर किसी को अब पता चल चुका है, जो हकीकत है वो खुल चुकी है, अब कुछ छुपा हुआ नहीं रह गया। खान साहब के हवाले से कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से आप रात भर यहाँ मौजूद हैं? उनकी ईमानदारी,
सिर्फ वो बंदा ईमानदार है, ठीक है, उनके हर बंदा उनके लेवल का ईमानदार नहीं है, उनकी पार्टी में भी नहीं होगा, उनकी हुकूमत थी तब भी नहीं होगा, लेकिन इमरान खान ईमानदार है और वो मेरी उम्मीद है। जो चोरी के इल्जाम लगे हैं खान साहब पे, हाँ, वो क्यों लगाए गए? वो मजाक है, ये सब मजाक है, मेरी नज़र में ये सब मजाक है। अच्छा खान साहब अगर आपको देख रहे हो तो खान साहब को क्या पैगाम देंगी, क्या कहेंगी? खान साहब को यही कहूंगी कि हम उनके साथ हैं और सब अवाम उनके साथ है, और जब मुश्किल पड़ती है तो इंशाल्लाह वो निकल आती है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको फतह दे, और हमारी दुआएं, हमारे आंसू और हमारा साथ उनके साथ, और बहुत दुआएं हमारी। आप रात भर इधर बैठी हैं, जब आप घर जाती हैं तो घर वाले क्या पूछते हैं कि आप खैरियत से थी, आप क्यों गई हैं, कैसे रात गुजरी? बिल्कुल, मेरी बेटी है वो पूछती है, और बस मतलब वो जाग रही थी जब मैं घर से निकली थी, तो वो खुश है कि मामा कुछ कर रही हूँ, उसे पता है कि मैं जितनी जुनूनी हूँ, तो अब उसे पता है, वो कल यहाँ पर आ गई थी, उसको पता है, वो जोश देख गई है, तो वो समझ। शुरू से इसी पार्टी के साथ एफिलिएशन या मोहब्बत है या इससे पहले किसी और पार्टी? पहले जो है हमारी मतलब मेरा थोड़ा सा ऐसा रिसोर्स रहा था कि मैं आवाज़ उठा सकती थी, तो मैं सबको कहती होती थी कि ये साइकिल के बाद जब शेर ने आना था, तो हाँ मैं सबको कहती होती थी साइकिल को पंचर कर देना। मैंने नवाज शरीफ का साथ दिया, मैं मुस्लिम लीग नून के साथ थी एक वक्त में, लेकिन बस वही बात है, मैं तो कहती हूँ शायद मरियम ने आके उनका पट्टा ही बिठा दिया, और मैं कहती हूँ कि उसकी वालदा का नाम उसने मिटा दिया, हालांकि उसकी वालदा एक अच्छी औरत थी, तो नवाज शरीफ साहब को तो खैर पैसे का लालच लेके डूब गया, अदरवाइज वो भी अच्छा इंसान होगा यकीन है मुझे, लेकिन मरियम नवाज ने तो हदें क्रॉस कर दी हैं सारी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त जमान पार्क में रात मोटी घर के बाहर मौजूद है, तो आप जोश जज्बा देख सकते हैं कि इमरान खान के पास कार्यक्रम पहुंचे हुए हैं। आजादी के रहेंगे।